ये आपके सामने देसी घी के अंदर बना है और एकदम बढ़िया प्योर। अगर आपको ग्रेवी चाहिए, अगर आप अंदर बैठ के खा रहे हो ना, तो आपको ग्रेवी भी मिल जाएगी। ये मैंने एक चाप का पीस लिया है, एकदम बढ़िया। और ख़ास बात जो है ना, भटमंदी ये खा नहीं सकता, इसलिए मैं ये मज़े लेके खाऊंगा। दानेदार कीमा जिसे कहते हैं ना, एक्चुअली में जो डेफिनेशन है, इनसे सीखो। बड़े आराम से टूट गई बाइट। हाँ जी, गाड़ी रोक दी है जी हमने गुजरांवाला टाउन। जब ये बोर्ड दिखता ना भाई, अशोक मीट वाला, शुद्ध देसी घी से तैयार दानेदार कीमा जिसे कहते हैं ना, एक्चुअली में जो डेफिनेशन है, इनसे सीखो। बढ़िया देसी घी का यूज़ करके जो टेस्ट आता है ना, बनाने का तरीका, इनसे सीखो। खाना है बढ़िया मीट ना, अगर आपको पूरी दिल्ली में कहीं भी, तो अशोक एंड अशोक ढाबा जो सदर बाज़ार में, वो और अशोक मीट ढाबा, ये दोनों अलग अलग हैं, कोई लिंक नहीं है इनका। और यहाँ पे आके नॉर्थ दिल्ली के लोग खा सकते हैं, और सदर बाज़ार के पास जो रहते हैं वो लोग वहाँ खाएँ। टेस्ट लाजवाब जिसे कहते हैं ना, वो वाला टेस्ट है। जब मैं यहाँ पे आया था, 2-3 साल पहले आया था, जब कोविड के बाद आया था, और उससे पहले बचपन में मैं बहुत बार यहाँ पे आया हूँ। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि प्राइसिंग अब क्या है, टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, अब सब पता चलेगा आज अंदर। भाई ये देख रहे हो, बाइट साइज रोटियाँ, एकदम गर्मा गर्म सुपर क्रिस्पी तंदूरी रोटियाँ, जिसके ऊपर बटर लगाया जा रहा है, ये मिलेगी साथ में। और भाई ये दिखा दो ज़रा हिला के, ये प्योर देसी घी के अंदर बनता है मटन कीमा। जी हाँ, एक बार दिखाना भैया, करछी दिखाओ, ये देखो, ये पीस देख लो। पूछते हैं ना लोग कि भैया बेस्ट मटन कहाँ मिलता है दिल्ली के अंदर, आपने खाना है तो अशोक मीट पे आ जाओ, गुजरांवाला टाउन। इससे बढ़िया मटन देसी घी वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दिल्ली के अंदर, गारंटी कह रहा हूँ। अगर आप खाते हो ना पीस, तो ये देख लो, एक मिनट दिखाना, ये देखो भाई साहब, ये पीस देख लो, एकदम बढ़िया वाला। और माल भी ना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बनाते, थोड़ा सा बनाते हैं, दो बैचेस में खुलती है दुकान, लंच टाइम और रात को। लंच टाइम का टाइमिंग क्या होते हैं? 12:30 से 4:30, और डिनर शाम को 6:30 से 11:30। और ट्यूसडे बंद रहती है? मंगलवार बंद रहती है, मतलब मंगलवार को सारा माल फ्री मिलेगा आपको जब भी आप आओगे। तो फिर एक काम करते हैं, लगवाते हैं एक प्लेट अपने लिए और फिर टेस्ट करते हैं। देखो भाई ये लग रही है पीस, कितनी कहती है एक प्लेट? 500 रुपये का ये एक। कितने पीस आते हैं 500 में? 4 पीस आएंगे 500 में। ये देख लो, 3 पीस और ग्रेवी मिल जाती है, और अगर अंदर बैठ के खाओ तो मिल जाएगी। प्योर देसी घी का है, और ना दाने दाने वाला, देख रहे, दाने दाने वाला कीमा है, एकदम बढ़िया वाला। और ये साथ में छोटी छोटी रोटियां, और ये साथ में छोटी छोटी रोटियां भाई, मज़ेदार। ये रोटी कितनी कहती है तंदूरी? 10 रुपये की एक रोटी है, 10 रुपये की एक रोटी, बढ़िया सा धनिया मार के, ऐसे कहते हैं ना किसी के मुंह पे धनिया मारना, रोटी पे धनिया मार रखा है, बढ़िया वाला। ये देख लो। ज़्यादातर क्या खाते हैं, चिकन या मटन? मटन ज़्यादा खाते हैं ना, मटन के लिए ही पॉपुलर है ये दुकान एक्चुअली में। अंदर सिटिंग है, दिखा देता हूँ, और चलते हैं अंदर, कुछ लोगों से बात भी करेंगे उनको कैसा लगता है। तो अंकल जी खा रहे हैं, अंकल जी कैसा टेस्ट लगता है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया है। पहली बार आए हो या आते रहते हो? मैं बहुत टाइम आया हूँ। अच्छा, पहले मैं सदर बाजार में इनकी ब्रांच थी मेन। अच्छा, वहाँ खाता था। सदर बाजार में कौन सा, अशोक अशोक? ये वो नहीं है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, वो अशोक अशोक ढाबा है, ये अशोक मीट है। अच्छा, हाँ। पर टेस्ट आपको बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया, देसी घी में बनाते हैं, तो लग रहा है कि देसी घी वाला है माल। क्वालिटी बताती है खाने के बाद, क्या बात है। और ये भी भाई साहब, सब चारों बंदे खा रहे हैं बढ़िया से। सर कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? अच्छा, अभी करना है, आप पहली बार आए हो? हम लोग पहली बार आए। अच्छा, आप लोग पहली बार आए हो? हम 3 जन पहली बार आए हैं। अच्छा, फिर आप बताओ सर, आप बताओ आपको कैसा लगता है टेस्ट? चला, आपको लगता है देसी घी वाला माल है बढ़िया? बिल्कुल प्योर देसी घी का माल। मैंने भी, मतलब कि जब भी मैं खाया है ना, मैं ये चीज़ नोटिस की है, ये दानेदार मीट, दानेदार मट कीमा कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। मैं तो इनके सदर बाजार के आउटलेट में भी जाता हूँ। सदर बाजार में इनका कौन सा आउटलेट है? अशोक एंड अशोक है, वो तो दूसरा है, ये अलग है मेरे ख्याल से। मज़ेदार है। अच्छा, बढ़िया। तो भाई इन्जॉय करने देते हैं इनको, अपनी प्लेट लगवाते हैं और फिर करते हैं टेस्ट और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा। तो भाई प्लेट आ चुकी है, एकदम देख लो, ये लाइट्स के अपने मेरे अलग अलग आज आ जाओ। ये देखो भाई, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ पीसेस। ये है भाई एक पीस देसी घी टपकता हुआ, बढ़िया सा।
ये मैंने एक चाप का पीस लिया है एकदम बढ़िया। और अब खास बात जो है ना वो दानेदार कीमा है। ये दानेदार कीमा आपको दिल्ली में बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। बाइट साइज़ रोटी, 10 रुपये की रोटी है, उस पर भी बटर लगा रखा है, प्याज हरी चटनी दे रखा है। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ एक बाइट लगा के, ये देखो बड़े आराम से टूट गई बाइट। मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ रहता था मुखर्जी नगर, तो अपने एक फ्रेंड के साथ मैं आता था यहाँ पे खाने के लिए, और इतना टेस्टी होता था भाई, इतना टेस्ट होता था कि खाने के बाद ना मज़ा आ जाता था और पैक करा के अलग ले जाते थे। आज भी टेस्ट बहुत बढ़िया। कीमे की ज़रूरत होगी आपको कीमा मिल जाएगा। एक ख़ास बात मेरे को और लगती है, पता क्या कि ना इनका जो मेन्यू है वो बहुत छोटा मेन्यू है। मतलब बिरयानी है, चिकन कीमा है, मटन कीमा है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर दाल वाल कुछ मिलती होगी। तो नॉन वेज अलग अलग जगह है ये, आप कभी भी गुजरा उल्टा हो रहे ना इधर आना ज़रूर। एक बाइट लेते हैं कीमे के साथ। बहुत बढ़िया, ये देखो कुछ पीस हार्ड है, कुछ पीसेस हार्ड है, कुछ पीसेस सॉफ्ट है, मिक्स है, बट टेस्ट मैं आप बोलूँगा कि आज तक टेस्ट नहीं बदला, वैसा ही टेस्ट है जैसे बचपन में आता था। अब ये है बाइट। ओहो, इस पूरे एरिया के अंदर ना, नॉर्थ दिल्ली के अंदर अगर बात करो, अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे बढ़िया मटन कहाँ मिलता है, तो फिर आपको ना यहाँ पे आके ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना शॉप है, पहली बार बता दूँ मैं आपको। और दूसरी चीज़ ये कि जो टेस्ट है वो आज तक नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है, ऑयली है, देसी घी है बहुत ज़्यादा। अगर आपको ऑयली नहीं खाना तो आप देन यू कैन अवॉइड इट, बट अगर आप खा सकते हो तो आपको एक बार ये ट्राई करना चाहिए। सर्दियों के अंदर पता क्या होता था, जब मैं ये पैक करके ले जाता था घर जाता था पूरा जम जाता था, क्योंकि देसी घी होता था, देसी घी सर्दियों में जम जाता है तो पूरा ऊपर से वाइट लेयर आ जाते थे। बट ट्रस्ट मी, जैसा टेस्ट पहले था वैसा ही टेस्ट आता है, बट ये है कि ये वाला पीस बहुत हार्ड है। तो महंगा है, 500, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वही है कि देसी घी है तो देसी घी का पैसा देना पड़ेगा आपको। 10 रुपये की रोटी है और 500 रुपये के 4 पीस है। वैसे अगर बात करूँ तो रेस्टोरेंट्स के अंदर 500 रुपये का ही मिलता है, लेकिन अगर हम काके दी हट्टी वगैरह ऐसे जगह चले जाएँ तो वहाँ पर 250 में 3 पीस आ जाते हैं, 300 में 3 पीस आ जाते हैं। बट देसी घी में नहीं बनाते वो लोग, ये एकदम देसी घी में बनाने, तो बस देसी घी की वजह से थोड़ा प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी हायर है। आई विश कि मन्नी भी खा सकता, बट मन्नी ये खा नहीं सकता, इसीलिए मैं ये मजे लेके खाऊँगा। तो अगर आपको कभी भी खाना होना तो गुजरावाला टाउन आना है, अशोक मीट डालना है और ये आके ट्राई करना है।